नमस्कार, मैं हूं केशव तिवारी। नेटवर्क मार्केटिंग में ये जरूरी नहीं है कि व्यक्ति शहर का है या गांव का है, व्यक्ति पढ़ा लिखा है या कम पढ़ा लिखा है, व्यक्ति व्यवसायी है या व्यवसायी नहीं है, किसी भी व्यक्ति के पास समय है या नहीं है। नेटवर्क मार्केटिंग में जिसने भी शिद्दत के साथ काम करना शुरू किया उसे सफलता मिलती ही है। हम बात कर रहे हैं रीवा जिले के चाकघाट शहर के पंकज सिंह की। पंकज सिंह ने नेटवर्क मार्केटिंग में अनमने ढंग से प्रवेश लिया था। उन्हें नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में कुछ भी नहीं मालूम था, लेकिन धीरे धीरे सीखते गए और आज की तारीख में पंकज सिंह नेटवर्क मार्केटिंग में रॉयल्टी अचीवर के मुकाम पर है। आपको ये लगता होगा कि एक प्रोडक्ट खरीदने वाला व्यक्ति रॉयल्टी अचीवर कैसे बन सकता है, तो ये आपकी गलतफहमी है कि सिर्फ साइंटिस्ट, गायक या लेखक को ही रॉयल्टी मिलती है। ये बिल्कुल आपकी गलतफहमी है। आप प्रोडक्ट परचेज करके भी रॉयल्टी अचीवर बन सकते हैं और ये व्यवस्था नेटवर्क मार्केटिंग में है। तो सुनिए आप पंकज जी को। देखें, अच्छा खुद के कितने लोगों के हाथ हैं? कुछ लोग कंफ्यूज हैं कि मेरा मेरे साथ आया है कि नहीं आया, तो दोनों हाथ ऊपर करें और जिनके खुद के हैं वही बजाएंगे। 1 2 3 कहते हैं ना, पकड़ लो हाथ बनवारी केसर मुरारी, वो चबाएंगे और जिनको जिनको पकड़ेंगे यकीन मानिए वो जीवन में कभी छूटने वाले नहीं। कोई लोग बात नहीं, सब लोग आज के पास नहीं है। म्यूजिक ऐसा बजाइए कि लोगों का दिल खुश हो जाए, या तो बंद रहिए, लोग खुद ही म्यूजिक की तरह नजर आ रहे हैं। दोस्तों ये तो सच है कि असर होता है बातों ही बातों में। ये तो सच है कि असर होता है बातों ही बातों में। आप भी खुल जाएंगे ऐसे ही दो चार मुलाकातों में। आपका हमारा सदियों पुराना नाता है और कसम खुदा की आपसे मिलने की लकीरें थी इन हाथों में। नाम पंकज सिंह हरवार। एक बार मैं ये चाहूंगा कि भैया आप फगवा लगा दीजिए, क्योंकि जिसमें सब लोगों का मृदंग जो है वो बजना शुरू हो जाए। क्यों मेरा भगवा रंग बजाने का मतलब ये था कि आज यहां से जो निकलेंगे एक वस्त्र है, लेकिन आरसीएम का जब रंग चढ़ेगा तो हर इंसान की किस्मत बदल जाएगी, तस्वीर और तस्वीर दोनों बदल जाएगी। आप लोग अभी तक सो रहे थे, क्या करने वाले हैं, सुपर और डुपर होने वाले। तो मैं बात कर रहा था गर्मी की। गर्मी मई में होती है, ना ही जून में होती है। गर्मी मई में होती है और बाकी जो बचा रहेगा आज आप बैठे रहिए। जो हमारे शख्स आए हैं माननीय तिवारी जी, केशव प्रसाद तिवारी, क्योंकि जिनका नाम ही केशव हो और जब वो किसी का हाथ थाम लेंगे तो मजाल क्या है वो कामयाब ना हो, क्योंकि जब तिपुरारी हाथ पकड़ते हैं ना तो उनके पास एक चीज रहता है, तथास्तु, यानी तो सक्सेस होने वाला ही है, उसमें कोई लेकिन काश परंतु नहीं है। जितने भी लोगों के लेकिन काश परंतु है वो सब यहां छोड़ के जाएंगे, क्योंकि पूरे के पूरे इस हॉल से निकलने के बाद कामयाब होके जाएंगे और कामयाबी वाली कार में शामिल होके जाएंगे, क्योंकि बहुत सारे लोगों का डाउट है कार कहां है। दोस्तों आप आज किससे आए हैं कोई फर्क नहीं पड़ता, कहां से आए हैं यह भी फर्क नहीं पड़ता, लेकिन आज तिवारी जी आपको अपनी वाली के साथ कार वाला भी बना देंगे। यकीन मानिए थोड़ा समय लगेगा, लेकिन वो दिन जरूर आएगा। अपने को एक जवाबदारी दी गई है यहां पे, आपने बहुत सारे लोगों को एक इनकम के लेवल पे देखा, एक इनकम का ऐसा लेवल जहां पे लोग तरसने के लिए तरसते हैं कि वो भी मेरा मुकाम हो जाए। उस मुकाम का नाम है स्टार। स्टार का मतलब क्या है? चमकना।
कितने ऐसे लोग हैं जो चमक चमकना चाहते हैं? बहुत सारे लोग अभी भी डाउटफुल है कि मैं चमकूंगा कि नहीं। दोस्त कोई दिक्कत नहीं, आज वो जो स्टार यहाँ पे आए हैं वो जब आपके पास आएंगे तो पूरे के पूरे लोग स्टार हो जाएंगे, क्योंकि उनका एक ही मानना है, उनका एक ही, क्योंकि उन्होंने पत्ती पत्ती पे नजर डाली, उन्होंने पत्ते पत्ते पे नजर डाली और डाली डाली पे नजर डाली, पत्ते पत्ते पे नजर डाली, डाली डाली पे नजर डाली, और जिस घर पे जिस इंसान पे उन्होंने नजर डाली उसकी तो किस्मत ही बदल डाली। ऐसे हमारे स्टार हैं, आप उनसे मिलना चाहेंगे? मुझे लगता है बहुत सारे लोग मिलना ही नहीं चाहते, क्योंकि बात मैं स्टार की कर रहा हूं, स्टार एंजल स्टार नहीं, सुपर स्टार। कितने लोग सुपर स्टार से मिलना चाहते हैं और कितने लोग यहां पर अपने आप को सुपर स्टार मानते हैं या बनना चाहते हैं? एक बार हाथ उठाइए। बहुत सारे लोग अभी ऐसे करते हैं, ऐसे ऐसे, मतलब कंफ्यूज है कि तू और स्टार, ओह माय गॉड, मैं बन ही नहीं सकता, मतलब अभी भी कंफ्यूज है, मैं और स्टार जैसे ही आ जाता है थोड़ा सा सच आ जाती है, हाथ भी नीचे आ जाता है, अरे तू कैसे स्टार बन सकता है? दोस्तों यकीन मानिए आप स्टार नहीं सुपर स्टार बनने वाले हैं, और वो सुपर स्टार हमारे बीच में, क्योंकि एक ऐसा प्लेटफॉर्म है, वो जो होते हैं सुपर स्टार जब आते हैं तो अपने जैसे स्टार बनाते हैं। दुनिया में कोई प्लेटफॉर्म नहीं जो स्टार के बदले स्टार बनाए, दुनिया में कोई ऐसा फार्मूला नहीं जो स्टार के बदले स्टार बनाए, लेकिन एक ऐसा प्लेटफॉर्म है आरजीएम बिजनेस, जहां पे जो स्टार आते हैं वो अपने जैसे स्टारों को बुलाते हैं और बनाते हैं। तो मैं आपकी जोरदार तालियों के बीच इनवाइट करना चाहता हूं पूरे के पूरे ऑल स्टार प्लस कमांडर स्टेट, बिल्कुल आपकी जोरदार तालियों के बीच, बिल्कुल तालियां ऐसी बजनी चाहिए कि अगला जो नंबर है वो आपका है। कुछ अलग दिख रहा है, कुछ अलग नहीं दिख रहा है, इनकी कामयाबी इनके अंदर से झलक रही है और इनके स्वागत के लिए, क्योंकि ये ऐसे इंसान हैं जहां पे जाते हैं वहां कामयाबी की लाइन लग जाती है। तो मैं ये चाहूंगा आप जितने लोग हैं एक बार कामयाबी वाली ताली बजाएं। कामयाबी वाली ताली कैसी होती है? सपना वालों को बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी। यस, और इनके सम्मान के लिए भी म्यूजिक एक बार बजा लो, काफी देर इनसे मिली नजर कि न जाने कितनों के होश उड़ गए, इनसे मिली नजर न जाने कितनों के होश उड़ गए, और इनके सम्मान के लिए मैं बुलाना चाहता हूं माननीय गुलाबधर दुबे जी, प्लीज कमांडर स्टेट बिल्कुल एक बार तालियां बजाइए, जबरदस्त तरीके से बजाइए और सर को ऐसा बनाइए कि माला और फूलों से बिल्कुल के मुझे लाभ दिया जाए। कैमरे वाले जरूर लीजिएगा, क्योंकि ये हमारे स्टार हैं और स्टार की चमक कभी खत्म नहीं होती, और जुगनू की तरह हमेशा हमेशा चमकती रहती है, और इन चमकते हुए सितारों को मैं माइक दूंगा, क्योंकि अगर ये माइक दूंगा तो ये घंटों में, क्योंकि ये मीटिंग लेने वाले हैं और लगातार लोगों को कामयाब बनाने वाले हैं। ऐसे लोग बस आप कहां से हैं? टोटल इनकम नाम और कोई एक लाइन का मैसेज, क्योंकि दो ही है और दो तो न जाने कितने पे भारी है। जसो से टोटल इनकम 1.5 लाख प्लस, छोटा सा मैसेज सिर्फ इतना ही है, मैं खुद व्यवसायी हूं, इस कोविड में जहां मैंने लाखों का इन्वेस्टमेंट किया हुआ है वहां से इनकम मेरी जीरो थी, और आश्चर्य बिजनेस से मेरी इनकम 7,000 से 8,000 10,000 महीने भी आ रही थी, जब पूरा का पूरा व्यापार बंद था। मैसेज सिर्फ इतना है कि
सारा कुछ बंद हो सकता है लेकिन लोगों का खाना बंद नहीं हो सकता। इसलिए सभी व्यवसाय कभी ना कभी बंद हो सकते हैं लेकिन आश्रम बिजनेस बंद नहीं होगा। इसलिए लगातार लगे रहो, लगन से लाखों मिलेंगे। धन्यवाद। नाम एसपी वर्मा, आपके शहर सतना से। इनकम की बात करें तो 1 लाख से अधिक, और मैसेज की बात करें तो मैसेज एक शानदार है। हम अभी अपने वर्तमान काम से किसी को सफल नहीं बना सकते, लेकिन यही एक ऐसा सिस्टम है डायरेक्ट सेल मार्केट और वो भी आरसीएम का। हम चाहें तो अपने घर के, परिवार के, गांव के, पड़ोस के, इस पूरे प्रदेश और देश के लोगों को सफल बना सकते हैं। थैंक यू। जय आरसीएम। देखें, आपको ये अलग तरह से नहीं दिख रहे, एक पर्सनल ठेकेदार है और काफी अच्छा कॉन्ट्रैक्टर है। कॉन्ट्रैक्टर अगर बात की जाए तो अच्छा खासा पैसा कमाता है, और लोग बहुत सारे लोगों के दिमाग में रहता है कि हम पैसे कमाने के लिए काम कर रहे हैं, लेकिन इतना पैसा कमाने के बावजूद ये आरसीएम क्यों कर रहे हैं। एक लाइव मैसेज में जरूर दिलवाना चाहूंगा, क्योंकि आज हम यहाँ पैसे के लिए इस बिजनेस में नहीं आए हैं, क्योंकि पैसा महत्वपूर्ण नहीं है। इंसान किस काम में, किस कदर इस बिजनेस में सफल हो सकता है, लोगों को सफलता दिला सकता है, इसमें क्या क्या सुरक्षा मिल सकती है, ये महत्वपूर्ण है। तो मैं बंसीलाल जी, आप इस बिजनेस में क्यों आए? क्योंकि पैसा तो आप पहले भी कमा रहे थे, ऐसी क्या वजह थी कि आप आरसीएम में आए? सिक्योरिटी पर्पज। मैं रहूं या ना रहूं, मेरे परिवार को कभी पैसे की दिक्कत ना हो, यानी मेरे ना रहने के बाद भी व्यवसाय चलता रहता है, ये आरसीएम बिजनेस जहां पे रॉयल्टी जैसी इनकम मिलती है। बिल्कुल। अब देखें आप, बड़ा अच्छा मैसेज, क्योंकि सुरक्षा एक ऐसी चीज है जो जो काम हम जब तक करेंगे तब तक आएगा, और नहीं करेंगे तो नहीं आएगा। दूसरा, बहुत सारे जितने लोग हैं यहाँ पे, सब लोग चाहते हैं कि मेरा लड़का पोता सरकारी जॉब में हो जाए, क्योंकि कहते हैं ना, जब सरकारी दामाद बन जाओ तो वैसे भी इनकम तो आएगी। आप सरकारी दामाद होने के बावजूद आरसीएम क्यों कर रहे हैं? बहुत शानदार सर, आपके लिए एक बार जोरदार ताली पकड़ सर के लिए। मैंने अभी कुछ मिनट पहले बताया कि मदद कर सकते हैं, और मैंने देखा कि मैं जिस क्षेत्र में हूँ उस क्षेत्र से किसी घर या परिवार के या किसी भी लोगों की सहायता नहीं कर पा रहा था, क्योंकि जो वर्तमान इनकम है वो शायद मेरे घर के लिए पर्याप्त नहीं है। सिस्टम सामने आया, समझ में आया कि यदि हम रॉयल्टी में जाएंगे, और रॉयल्टी वो इनकम कहलाती है जो टाइम मनी सिक्योरिटी, मतलब ये कहा गया कि अनलिमिटेड पावर, सारी चीजें हमारे हाथ में होती हैं, और वो सारी चीजें हम आप सबको दे सकते हैं, इसलिए मुझे अच्छा लगा। थैंक यू। जय श्री। एक बार सर के लिए जोरदार तालियां। बिल्कुल सर, देखिए मैं अपने बारे में डाल हूँ, मेरा बालू गिट्टी और रोड का कॉन्टेक्ट है। मुझे ये आरसीएम बिजनेस सिर्फ एक ही बात पे समझ में आया, क्योंकि हमारे बुआ जी के एक लड़के थे, बहुत बड़े वो बिजनेसमैन थे, उनका तकरीबन इलाहाबाद जैसे शहर में 4 दुकानें हुआ था, इलेक्ट्रॉनिक्स की अलग थी, और वो उस समय जब मोबाइल कम्युनिकेशन शुरू शुरू में नोकिया के जो उसके सबसे बड़े डीलर हुआ करते थे, लेकिन अच्छा खासा, क्योंकि मैं उनको देखता था कि उनके बच्चे जो है, जब कभी कभी उस समय पीबीआर का जमाना चला था, जब वो जाते थे तो एक दिन में 20-30 10,000-15,000 ऐसे ही उड़ा के आते थे, लेकिन परमात्मा कुछ और चाहता था। अचानक उनका एक कार एक्सीडेंट हुआ और दुनिया से चले गए, जो उनके चाहने वाले थे, मैं भी था, ऐसा नहीं है, क्योंकि मेरे रिलेटिव थे, जो उनके चाहने वाले, जो उनके रिलेटिव थे, जब तक उनके पास पैसा आता था लोग दिन भर उनके पास जाते थे, लोगों को जब भी करना काम होता तब भी वो इलाहाबाद घूमने चले जाते थे, क्योंकि जाते थे तो कुछ ना कुछ पॉकेट मनी विदाई में लेके आते, हमारे यहाँ एक संस्कार है। लेकिन जैसे ही वो दुनिया से गए, मुझे याद है 16 नवंबर 2019 उनका एक्सीडेंट हुआ और इस दुनिया से वो चले गए। उनकी 13वीं भी नहीं बीती थी, जितने भर उनके लोग थे सब नहीं अब तो बंद हो जाए, क्योंकि हिंदुस्तान में सबसे बड़ी चीज है लोग बड़ी पहले डिसीजन ले लेते हैं, फ्री की राय देते हैं, अब तो बंद हो जाएगी, और वास्तव में वही हुआ। उनकी जो तीनों दुकानें थी जो करोड़ों की थी पूरा का पूरा बंद हो गए, जो नौकर चाकर थे सब खाए और वो कर्जे पे डूब गए। आज उनके दोनों बच्चे
जो कभी एक लड़का मुंबई में था, बड़ा लड़का, और उनकी बेटी जो थी बेंगलोरी में कोई कोर्स कर रही थी, दोनों के दोनों को घर आना पड़ा। अभी पिछले ही साल बच्ची की शादी हुई है, जो किसी न किसी रहीस या किसी न किसी अच्छे घराने में जाकर रहीस घराने में, वो नॉर्मल परिवार में गई, आखिर क्यों? क्योंकि ये बात बड़ी छोटी लेकिन बड़ी मोटी है। आज हम जो भी हैं, पैसे तो बहुत बना सकते हैं लेकिन जीवन में कोई सुरक्षा नहीं बना सकते। कहते हैं कि मैं अपने बच्चों से मैं कोई नहीं करता, अगर वास्तव में जो करता है वो इस हॉल में है, क्योंकि ये नेटवर्क डीएसएम ही एक ऐसा है। अगर आप अपने बच्चों से, अपने रिश्तेदारों से, अपने दोस्तों से प्यार करते हो तो आप पार्शियल से इनकार नहीं कर सकते, क्योंकि जितना ज्यादा आप सुनोगे उतना ज्यादा आप सुनोगे। जो सुनता है वही सुनाता है और जो शुरू होता है वही गुरु होता है। जैसे माननीय केशव जी आज हमारे सबके गुरु, क्योंकि इन्होंने भी किसी रूप में कई लोगों को सुना होगा, सुनते गए आज सुनाने वाले बन के पूरे हिंदुस्तान में सुनाते हैं, घर घर जाकर सुनाते हैं, जहां सुनाते हैं वहीं की रॉयल्टी और टेक्निकल हो जाते हैं। ये है सुनाना, ऐसा आप लोग होना चाहते हैं? बहुत सारे लोग अभी भी नहीं होना चाहते, कोई दिक्कत नहीं, अभी सर आएंगे उन सबको समझा देंगे। लेकिन ये बात है, क्योंकि जीवन में हम पैसा तो कमा सकते हैं, मान सम्मान और एक ऐसा प्लेटफॉर्म जहां पर दौलत शोहरत इज्जत और दिल से दुआएं किसी प्लेटफॉर्म पर मिल सकती हैं, तो वो है आरसीएम, इस प्लेटफॉर्म पे। तो मैं ज्यादा समय नहीं लेता, कुछ समय ज्यादा भी हो गया है, मैं फिर से लगातार बहुत सारे लोगों को एनर्जी प्रोवाइड कर रही है मैडम, क्योंकि एक बिल्कुल फर्क नहीं पड़ता हम किस उम्र में है। हमारे उम्र 55 की हो या 55 से फर्क नहीं पड़ता, हमारी जो एनर्जी है वो लगातार बरकरार रहती है। और ये मैडम ने करके दिखाया, आपकी जोरदार तालियों के बीच मैं एक बार फिर से विजया चोपड़ा मैडम को बात करता हूं, प्लीज।